हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंप पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको फिर न्यूमेरिकल के हिसाब से समझाऊंगा। तो पहले न्यूमेरिकल लिख देता हूँ मैं पहले, ठीक है। टॉपिक का नाम है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंप। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंप, तो क्वेश्चन है इसमें ए कैंप गिव फॉलोइंग मोशन, किसको? टू नाइफ एज फॉलो। यहां पे जो फॉलोवर है वो कैसा है? नाइफ एज है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी मोशन हो रहा है देखिए। पहला है आउट स्ट्रोक है ड्यूरिंग 60 डिग्री, ठीक है। आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, ठीक है। सेकंड है आपका ड्वेल जो है उसके बाद, ड्वेल ड्यूरिंग नेक्स्ट 30 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। इतना हो गया। आउटस्ट्रोक को राइज भी बोल दीजिए, एसेंट भी बोल दीजिए, ठीक है। आउटस्ट्रोक बोल लिया, एसेंट ड्वेल भी रहेगा या अथवा में राइज, तीनों टर्म्स में आ सकता है। एसेंट बोल देगा एग्जाम में राइज या आउटस्ट्रोक, ड्वेल भी रहेगा। उसके बाद है थर्ड रिटर्न स्ट्रोक बोल लीजिए और फॉल और डिसेंट, इन तीनों में किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी में भी। ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, इतना हो गया। यहां पे और चीज दिया होगा, एक तो कि रेडियस ऑफ कैम गिवन होगा, रेडियस ऑफ कैम, तो रेडियस ऑफ कैम है यहां पे 50 mm। और एक होगा फॉलोअर का हाइट, यहां तो पूछ लेंगे हाइट ऑफ फॉलोअर दे देंगे, हाइट की जगह लिखा होगा स्ट्रोक ऑफ फॉलोअर, तो यहां पे है 60 mm। और इस न्यूमेरिकल को आप सबको नोट डाउन करना है, क्योंकि यहां पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं पूरा कैम को प्रोफाइल को ड्रॉ करूं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसे रफ कर दूंगा। तो इसमें पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम में, कैम बनाने से पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम पता होना चाहिए। तो पहले मैं सोल्यूशन में इसका सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। आप कैम को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं, अगर एग्जाम में दिया होगा
मोशन तो उसके हिसाब से नहीं लिया होगा, तो अपने हिसाब से कैंप का मोशन बना देना। मैं एंटी क्लॉकवाइज बताऊंगा, यहाँ पे कोई मोशन नहीं दिया हुआ है, अभी नॉर्मल हम बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के हिसाब से बताऊंगा। तो पहले ये देख लीजिए आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में आपको ये पता होना चाहिए कि राइज, ड्वेल और रिटर्न कितना कितना है। तो स्टार्ट करूं, पहले तो आपको ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक कैसे बनाना है देखिए, पहले देखना हाइट ऑफ फॉलोवर कितना है। 60 mm है तो 60 mm ले लीजिए आप। अपने जब बना रहे हो आप इसका डायग्राम तो आप 1:3, 1:2 में भी बना सकते हैं। तो एक तो ये हाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका हाइट कितना है, 60 mm, इतना हो गया। नेक्स्ट है आपका, अब स्टार्ट करता हूं मैं। लिखा हुआ है यहां पे राइज ड्यूरिंग 60 degree ऑफ टैप। तो 60 degree को जितने भी यहां पे डिग्री हो उन सबको आपको एमएम में लेके चलना है। 1:3 ले लीजिए, 1:2 ले लीजिए, जैसा आपको सुटेबल हो, या 1:1 ले लीजिए। तो मैं यहां पे देखिए, मैं ये यहां पर ये मैं यहां से ले रहा हूं, ये 60 degree है। इतना बना देना आपको, क्लियर है इतना। उसके बाद आपको यहां से जितनी इसकी हाइट है इतना इतना मिला देना है, और इसको आप ऐसे मिला दीजिए। इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करने, इक्वल पार्ट्स करने। जैसे मैं 60 degree है, 60 mm लिया हूं, तो 10 mm का एक पार्ट्स, तो 0 इसको लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो 10 mm के हैं, तो इनको आपको लाइन खींच देना है ऐसे, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। नंबरिंग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा आपको क्या करना है, इनके भी आपको इक्वल पॉइंट्स, इक्वल पार्ट्स बनाने। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनको भी आप मिला दीजिए। अब हमें करना क्या है, यहां से राइज हो रहा है तो 1 को 1 से, ये जैसे पॉइंट है 2 का 2 पॉइंट, तीसरे 4, 5, 6, इन पॉइंटों को मिलाते चले जाना है। तो ये देखिए ऐसे, सॉरी ये थोड़ा कर्व में बन गया। आपको क्या करना है, इसको स्ट्रेट लेना है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे स्ट्रेट आएगा ये, ठीक है, पूरा स्ट्रेट आएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, आगे समझ में, इन सारे पॉइंट्स को मिलाते चले जाना। नेक्स्ट है आपका ड्वेल ड्यूरिंग नेक्स्ट 30। तो मैं आगे 30 degree बढ़ता हूं, ड्यूरिंग 30 mm, ये देखिए 30 degree, यहां से भी आप लाइन खींच दीजिए। और इसमें आपने पढ़ाई है कि फॉलोवर का कोई मूवमेंट नहीं होता, जितना हाईएस्ट पोजीशन है उतने पे फॉलोवर रिमेंस स्टेशनरी रहता है। तो ये देखिए यहां से इतने पे ये फॉलोवर रिमेंस रहेगा। ये वाला हिस्सा क्या है, ये 12 का है, और ये राइज का हिस्सा हो गया। इतना आगे समझ में। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट 60 degree फॉल हो रहा है। तो देखिए मैं 60 degree ले लेता हूं, और फिर ये लाइन खींच दीजिए ऐसे, और इनको मिलाइए। उसके बाद इनके भी इक्वल पॉइंट्स बनाइए। ये 60 degree है, तो 6 पार्ट्स, जितने मैंने यहां पार्ट्स किए थे वहां यहां भी इतने हुए। तो ये 0 हो गया, 1 2
थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ऐसे इसके वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे ही वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इनको आप मिला दीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। उसके बाद इनको भी आपको मिलाना है, वन इसको भी मिला देता हूँ, वन टू थ्री लाइन खींच देना है, फोर फाइव एंड सिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे फॉलोवर अभी यहाँ पे है, इस पॉइंट पे अभी फॉलोवर है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, डुएल हो रहा है, सॉरी फॉल हो रहा है, तो आपको जैसे यहाँ पे आप राइज कर रहे थे तो वैसे ही सिक्स को ऐसे ही एक पॉइंट को मिलाते चले होगा, ऐसे ये आपका फॉल पीरियड भी हो गया, ठीक है। यहां इसको बोल लीजिए रिटर्न स्ट्रोक, क्या रिटर्न स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक मतलब सिक्स को वन फाइव फोर थ्री टू ऐसे करते जाना है, वन जीरो, जैसे यहां पर देखिए सिक्स था, इधर से सिक्स है, इधर से वन है, तो सिक्स वन, फाइव का देखिए फाइव टू, फोर का थ्री, थ्री का टू, ऐसे टू का वन, वन का जीरो, ऐसे आपको मिलाना है। उसके बाद रेस्ट, रेस्ट का कितना बचा, 210 डिग्री, तो यहां पे अभी स्पेस नहीं है, तो आगे 210 डिग्री है, आगे तक जाएगा ये, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट जो होता है इधर का, ये डिवेल्व रहता है, डिवेल्व आगे तक है 210 डिग्री। तो ये आपका कौन सा डायग्राम है, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो ये आपका टॉपिक हो गया डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आप सबने इसके टर्म्स को समझ लेना है, इनके जो जो मेन है उसको लिख लेना है, मैं फिर कैंप बनाने जा रहा हूं, तो मैं इस न्यूमेरिकल को हटा देता हूँ क्योंकि इतने में तो बन नहीं पाएगा, है ना। कंस्ट्रक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आपका बन चुका है, उसके बाद आप कैम प्रोफाइल बनाने जा रहा हूं, कैम प्रोफाइल समझने के लिए क्या क्या हमें होना चाहिए यहां पे, एक तो रेडियस होना चाहिए, किसका रेडियस ऑफ कैम कितना है, 60 mm, हाइट ऑफ फॉलोवर, हाइट ऑफ फॉलोवर 60 mm है। उसके बाद फर्स्ट राइज, नेक्स्ट 60 डिग्री, उसके बाद है 12, नेक्स्ट 30 डिग्री, रिटर्न कितना है, नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, कैम रोटेशन ये है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एक सेंटर पॉइंट लेना है, ऐसे यहां से पताल रख के जितना रेडियस दिया हुआ है 60 mm है, तो यहां से
एक सर्कल ड्रॉन कर लेना है आपको। इस तरह का, इसका यहां से कितना हुए 16। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद आपके पास एक सर्कल होना चाहिए, 360 डिग्री का आता है एक सर्कल, ओ भी बोलते हैं, उसको यहां सेट करना है। सेट करके यहां पे 0 डिग्री सेट करके यहां, फिर यहां लिखा हुआ हाइट ऑफ फॉलोवर 60 mm, तो यहां पे पॉइंट रख के 60 mm स्केल को मेजर करके आपको मार्क करना है, तो 60 mm यहां पे भी आता है। देखिए इस तरह से आपका ये बन जाएगा। और किस तरह का ये नाइफ एज है, अमेरिकन में मैंने बता रखा था, तो नाइफ एज आपको फॉलोवर बना लेना है। इसकी हाइट कितनी है? 60 mm। इतना समझ में आ गया? ऐसे ड्रॉन कर लेना है। उसके बाद आपको, उसके बाद हमें सर्कल को, वो जो सर्कल है वहां पे 0 डिग्री सेट करना है। यहां पे ये 0 डिग्री है या 0 है, सेट करके मैं एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूं, इस तरह से मूवमेंट कर रहा हूं, तो इधर से मैं ड्राइंग बना रहा हूं। तो इसमें पहला है आपका राइज 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, ठीक है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए 0 पे सेट कीजिए और बढ़ते चले जाइए, तो 60 डिग्री आपका यहां कहीं होगा। ओम आप सर ओ से जब आप मेजर करेंगे तो उसके हिसाब से वो पॉइंट नोट कर लीजिएगा और उसको आपको मिला देना है। मतलब ये जो एंगल है कितना है 60 डिग्री। इतना आगे समझ में? नेक्स्ट स्टेप है आपका, नेक्स्ट स्टेप जितनी इसकी हाइट है 60 mm है, तो जितने इसके इसके पार्ट्स बनाने, जितने इसके पार्ट्स होंगे उतने इसके पार्ट्स बनाने, इक्वल पार्ट्स बनाने। तो मैं बैटर के लिए जैसे 60 mm है तो मैं 6 पार्ट्स बनाता हूँ 10 10 mm के, तो उसी हिसाब से मैं राइज पीरियड में 60 डिग्री हो रहा है यहाँ पे, तो 60 डिग्री में भी मैं 6 पार्ट्स कर दूंगा मैं इसके, तो 10 10 डिग्री का एक पार्ट होगा। तो मैं पहले कर देता हूं यहां पे, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कहने का मतलब ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 50 एंड देन 60, ये हो गया। मार्क कर दीजिएगा इनको, तो जितने इसके पॉइंट्स बने हैं या पार्ट्स बने हैं उतने ही फॉलोवर के बनाने हैं। तो यहां पे भी 10 10 mm का होगा, तो यहां से मैं कर देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप है आपका एक सर्कल ड्रॉन करना है, सॉरी सर्कल लाइन खींचना है आपको, जितने आपने पॉइंट्स बनाए हैं तो सबको आप ऐसे करके मिला दीजिए। उसके बाद 40 50 10 60,
क्लियर हो रहा है सभी को? इतना हो गया, लाइन खींच दिया आप सभी ने, ऐसे लाइन खींच देना आपको। नेक्स्ट स्टेप है आपका, इन सबको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, नेक्स्ट स्टेप है आपका, देखिए नंबरिंग करता हूं मैं, ये तो एंगल हो गया, तो ये जीरो, ये वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है। तो जीरो को जीरो से ऐसे यहां पे आपको प्रकार रखना है, जीरो को जीरो से, वन को वन से, टू को टू से, थ्री को थ्री से, फोर को फोर से, फाइव को फाइव से, सिक्स को सिक्स से मिलाना है बाई सर्कल। तो देखिए जीरो से जीरो मिल गया, वन से वन, टू से टू, यहां पे पॉइंट रखे यहां पे, ठीक है। उसके बाद थ्री फोर फाइव देन सिक्स, आपको ये यहां पे प्रकार रख के ये मिलाना है आपको सभी को। तो इतना हो गया, आगे समझ में। नेक्स्ट स्टेप है, जो जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, देखिए ये पॉइंट दिख रहा है टचिंग पॉइंट, ये 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 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन सबको आपको फ्री हैंड राइज पीरियड की तरह आना है, जैसे जैसे ये फॉलोवर मूव करेगा जिस पे, ये देखिए ऐसे मिलाते हुए ऐसे ये बनाना है आपको, फ्री हैंड होगी तो ऐसे मिलता हुआ चलाएगा ये, वो भी फ्री हैंड। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाया? राइज पीरियड, ठीक है, राइज पीरियड। आया समझ में सभी को? अब नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट बोला गया है ड्वेल नेक्स्ट 30 डिग्री, और ड्वेल के बारे में बोला था कि जितना हाईएस्ट पोजीशन पे फॉलोवर रहता है उतना ही ड्वेल के टाइम रहता है। तो नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया 60, फिर से सर्कल रखिए, तो 60 से आगे 30 जाना है ड्वेल का, तो 60 से आगे 30 यहां कहीं होगा ये, तो ये आपका ये वाला हिस्सा आपका 30 डिग्री, ठीक है। इसको आपको यहां तक खींच के ले जाना है जहां तक आपका राइज पीरियड का हाईएस्ट पॉइंट है, और ड्वेल में क्या करोगे, यहां पे प्रकार रखोगे, और आपको जितना ये यहां पे है उतना ही यहां पे होना चाहिए, ये आपका ड्वेल पीरियड हो गया। ठीक है, ये मैं फ्री हैंड बना देता हूं, ये थोड़ा इस तरह से बनेगा सर्कल, क्लियर हो रहा है सभी को? उसके बाद देखिए आप समझते हैं रिटर्न स्ट्रोक, नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। तो आप यहां टोटल 90 डिग्री तक आ चुके हो यहां पे, फिर सर्कल पे सेट करो इस पॉइंट पे, और वहां से आपको 90 और 60 कितना होता है 150, 90 को जीरो मान के 60 डिग्री आगे बढ़ जाना है। तो 60 डिग्री मीन्स यहां कहीं ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, क्लियर। अब आपको करने क्या है, इसके भी पॉइंट्स बनाने हैं, इसके भी पॉइंट्स बनाने हैं, तो बनाइए
ये वाली लाइन अगर जीरो है, मैं ले लेता हूं यहां पे 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 30, 40, 50 एंड देन 60, इनको भी सर्कल के हिसाब से मिला देना है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको रिटर्न स्ट्रोक है तो इधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो रिटर्न स्ट्रोक में देखिए, इधर से तो आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहे थे राइज में, रिटर्न में आप करना क्या है, मैंने इधर से नंबरिंग किया तो 0 को 0 से मिलाइए, 1 को 1 से, लेकिन इस साइड से, मतलब ये वाला फॉलोवर यहां पे है, ये वाला फॉलोवर उठ के अगर यहां पे आ रहा है, यहां पे है वो फॉलोवर मूवमेंट, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मिलाते हैं, 0 को 0 से मिल गया, उसके बाद आपका 1, 13, 1, 2, 13, 2, 3, देन 3, 3, उसके बाद आपका 4, 4, 5, ठीक है, एंड देन ये वाला जो पॉइंट है 6, ये डायरेक्ट जाके यहां मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया 6, इसको आप कर्व टाइप में इस तरह से बोलिए। नंबरिंग कर दी आप सभी ने, देखिए आप 0, 1, 2, 3 सबको मैंने सर्कल के हिसाब से, सर्कल टू लाइन पे मैंने मिला दिया, 0 को 0 से, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, देखिए 1 ये 2 है, ये 3 है, 4, 5 देन 6। अब इनको क्या करना है, फॉल ऑर्डर में, कैसे फॉल, क्योंकि ये फॉल हो रहा है, तो देखिए 6, 6 रहेगा ये पॉइंट जो मिल रहे हैं, ये और ये, इनको आप मिलाते चले जाइए, कैसे, ये देखिए 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, तो बनिया नहीं ड्राइंग, ये वाला है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये तो हो गया आपका ड्वेल, ठीक है, ये यहां से यहां तक का जो पोर्शन है ये हो गया रिटर्न स्ट्रोक का। तो ये आपका टॉपिक था ये कैम, और बाद में देखिए यहां पे जाने के बाद ये नॉर्मल ड्वेल पे रहता है, तो ये आपका कैम बन गया, मेनली जो कैम बना है इसको आपको फ्री हैंड बनाना है, तो कैम देखिए कैसा बना है, देखिए ये आपका ये आपका कैम बन गया। आ रहा है समझ में सभी को, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम, तो फिर से मैं बता देता हूं कि इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए।
एक तो फॉलोवर का हाइट, देखिए जितना आप फॉलोवर की हाइट के पार्ट्स बनाएंगे उतने राइज और रिटर्न स्ट्रोक के दोनों के इक्वल पार्ट्स बनने कंपलसरी है बेटर कैम ड्राइंग के लिए। तो देखिए ध्यान से, इसमें कैम 60 mm का हो गया, पहले आपने सर्कल को ड्रॉ किया या मैंने सर्कल को ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने फॉलोवर की हाइट जो है 60 mm दिया हुआ है, तो मैंने यहां से 60 mm बना दिया। उसके बाद आपको देखना है कि राइज कितना हो रहा है ड्यूरिंग टर्म रोटेशन, तो यहाँ पे 60 डिग्री, तो इसको 0 डिग्री सेट करके 60 डिग्री आगे जाना है। तो ये आपने ये वाला हिस्सा, ये जो एंगल है कितना है 60 डिग्री, ये तो 60 डिग्री जाना है। एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद 60 mm ये है, 60 डिग्री ये है, तो जितने इसके इक्वल पार्ट्स जितने बनेंगे इतने ही इसके बनाएंगे। अगर आप इसके 5 पार्ट्स बनाने जा रहे हो तो 12 mm का एक पार्ट होगा, तो उससे बेटर ड्राइंग के लिए मैंने क्या कर दिया, 6 पार्ट्स बना दिए, तो 10 mm का एक पार्ट्स हो गया, तो 10 10 10 करके 6 पार्ट्स हो गए। ऐसे ही 60 डिग्री की बात है यहाँ पे, तो 10 डिग्री का हुआ एक, 20 डिग्री सेकेंड, 33rd, ऐसे करते करते 6 पार्ट्स इसके हो गए। उसके बाद लाइन खींच देना है, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है। उसके बाद 0 को 0 रहने दीजिए, 1 को 1 से मिलाना है, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से। तो जब ये मिलाने जाओगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट, ये दो पॉइंट लाइनें मीट करेंगी, ये तो इन्हीं पे आपने ये क्या किया है, आपने राइज पीरियड में यहां से आप बढ़ते चले आ गए इन पॉइंटों को मिलाते हुए, बन गया ना राइज पीरियड का ड्राइंग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्वेल, तो ड्वेल में मैंने बता रखा है कि कैम फॉलोवर की कोई मूवमेंट नहीं होता, जितना हाईएस्ट पॉइंट है उतने हाईएस्ट पॉइंट पे ड्वेल रहता है, तो अभी यहाँ पे है तो 60 डिग्री तक ऐसे ही रहेगा, आ गया यहाँ तक। उसके बाद फिर नेक्स्ट 60 डिग्री कैम फॉल, तो नेक्स्ट 60 डिग्री बनाइए, नेक्स्ट 60 डिग्री तो 60 और 30 90, 90 के बाद नेक्स्ट 60 डिग्री 150, तो 150 तक मार्क करना है आपको, उसमें भी 10 20 30 40 50 60 6 पॉइंट्स 6 पार्ट्स बना देने हैं उनको। उसके बाद इनकी नंबरिंग कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 5 एंड 6। अब इसको इस साइड से सर्कल ड्रॉ करना है और लाइन मिलाना है, तो इधर से देखिए 0 0 पे, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे आ रहा है सर्कल, उधर से 4 4 पे, 5 5 पर लाइन पे, 6 6 पे। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि फॉल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट को ऐसे मिलाते चले जाना है, हो गया ना, तो एक कैम प्रोफाइल आपका बन चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 20 मार्क्स या 25 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में मैं सेकंड न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे ड्राइंग बनाना है, कैम प्रोफाइल कैसे बनाना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो इसको आप बना लीजिए, इस डायग्राम को, उसके बाद मैं इसे रफ कर दूंगा।